क्या आपने कभी ऐसे रेलवे ट्रैक को देखा है जिसकी पटरियां बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी हों, जिस पर ट्रेन भी चलती हो? क्या आपने कभी ऐसे रेलवे ट्रैक को देखा है कि जो मार्केट के बिल्कुल दरमियान से गुजरती हो, और जब इससे ट्रेन गुजरती है तो इसके बाद यहाँ क्या होता है? इसके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 डेंजरस रेलवे ट्रैक्स इन द वर्ल्ड। रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप पहले कभी नहीं सुना होगा। इन्हीं सब खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में इंडिया के रेलवे ट्रैक्स भी शामिल हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। डेथ रेलवे थाईलैंड। 415 किलोमीटर इस लंबे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ता है, जिसे वहां की गवर्नमेंट ने 1947 में बंद कर दिया था। इसकी वजह सुनने के बाद शायद आप भी इस जगह पर जाना कभी पसंद नहीं करेंगे। जब इस ट्रैक को बनाया जा रहा था तो इस वक्त 90,000 वर्कर की मौत नदी में गिरने से हुई थी। इतने खतरनाक वाकयात होने के बावजूद इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद फिर से ओपन कर दिया गया था। आज भी इस रेलवे ट्रैक से गुजरते वक्त पैसेंजर इतना डरते हैं कि फिर से कोई हादसा ना हो जाए। नेपियर गिस्बोन रेलवे, न्यूजीलैंड। ये ट्रैक ऐसा रेलवे ट्रैक है जो बिल्कुल एयरपोर्ट के रनवे के ट्रैक के बीचों बीच गुजरता है, लेकिन जब किसी भी ट्रेन को इस ट्रैक से गुजरना होता है तो इससे सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से परमिशन लेना पड़ती है। इस रेलवे ट्रैक को सन 1972 में बनाना शुरू किया गया था और 1981 में यह बनकर तैयार हो गया। इस रेलवे ट्रैक या रनवे पर जो भी ट्रेन या जहाज गुजरता है, इसकी खबर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को होती है। लेकिन अगर किसी दिन किसी जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ी तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रेन टू द क्लाउड्स, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बनाया जाने वाला यह ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। यह ट्रैक 1940 में बनकर तैयार किया गया, जिसे बनाने में पूरे 27 साल का अरसा लगा। इस ट्रैक को ट्रेन टू द क्लाउड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह ट्रेन 4220 मीटर ऊंचे ब्रिज से होकर गुजरती है, जो कि इस पूरे ब्रिज को मेटल से बनाया गया है। लेकिन जब भी इस ब्रिज से ट्रेन गुजरती है तो ये पूरा ब्रिज कांपने लगता है। इस रेलवे ट्रैक की इतनी ऊंचाई होने की वजह से इसकी डेली जांच की जाती है, जिससे बड़े हादसे से बचा जा सके। अगर ट्रैक में जरा भी कुछ गड़बड़ महसूस हो तो ट्रेन को फौरन रोक दिया जाता है। इसके बाद है डेवल नोज ट्रेन, इक्वाडोर। ये ट्रैक कितना खतरनाक है आप इस बात का अंदाजा इसके नाम से लगा सकते हैं। 1902 में बनाया जाने वाला ये ट्रैक इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे हर कोई देखना चाहता है। इस रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को शैतान के नाक वाली ट्रेन भी कहा जाता है, इसीलिए इसे डेविल नोज ट्रेन कहते हैं। अगर आप इस रेलवे ट्रैक को देखना चाहते हैं तो ये रेलवे आपकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक होगा। ये ट्रैक सतह समुद्र से 9000 फुट की बुलंदी पर है। इतनी ऊंचाई पर जब इस रेलवे ट्रैक को बनाया जा रहा था तो इस वक्त बहुत सारे वर्कर की पहाड़ी से गिरकर मौत वाकया हो गई थी। कई वर्कर्स की डेथ बॉडी तक ना मिली। इसकी वजह पास में मौजूद जंगल है और इसमें बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। जॉर्जटाउन लोप रेल रोड, यूएसए। ये रेलवे ट्रैक अमेरिका के कोलोराडो में है, जो कि इतना पतला है कि इसे देखने के बाद आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे कि यह ब्रिज इतना पतला हो सकता है। इस ट्रैक से ट्रेन को बहुत ही एहतियात और आहिस्ता आहिस्ता से गुजारा जाता है। ड्राइवर की एक जरा सी लापरवाही ट्रेन में बैठे पैसेंजरों की मौत का सबब बन सकती है। दो पहाड़ों पर बने इस रेलवे ट्रैक को 1987 में बनाया गया था, लेकिन कुछ खतरनाक हादसा की वजह से इसे 1939 में बंद कर दिया गया। और इसके बाद इस रेलवे ट्रैक में कुछ तब्दीलियां करने के बाद 1984 से फिर से इसे ओपन कर दिया गया। ये ट्रैक कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह ट्रैक सिर्फ 7.2 किलोमीटर का है, लेकिन जब यह ट्रेन इस ट्रैक से गुजरती है, ट्रेन को सिर्फ 7.2 किलोमीटर फासला तय करने के लिए 1 घंटे का वक्त लग जाता है। व्हाइट पास एंड यकून रोड, अलास्का। ये ट्रैक 172 किलोमीटर लंबा है, जो कि अलास्का की खूबसूरत पहाड़ियों से होकर गुजरता है।
यहाँ पर हमेशा ही बर्फ पड़ी रहती है। इस ट्रेन को व्हाइट पास का नाम अलास्का के सबसे ऊंचे पहाड़ व्हाइट पास के नाम पर रखा गया है। इस ट्रेन को कनाडा और अमेरिका की दोस्ती की निशानी भी माना जाता है। इस रेलवे ट्रैक से पहाड़ियों का जितना अच्छा व्यू देखने को मिलता है, इतनी ही गहरी और खतरनाक खाइयां भी देखने को मिलेंगी, जो कि ये खाइयां बिल्कुल ही रेलवे ट्रैक के पास से गुजरती हैं। अगर कोई भी इस खाई में गिर गया तो इसका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है और हो सकता है कि कई दिनों तक इसकी डेड बॉडी भी ना मिल सके। मैकलोंग रेलवे मार्केट ट्रैक, थाईलैंड। क्या आपने कभी मेन मार्केट से ट्रेन को गुजरते देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लो। मैकलोंग रेलवे ट्रैक मेन मार्केट से दरमियान से गुजरता है। ये रेलवे ट्रैक कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मार्केट में खड़े लोगों और ट्रेन के दरमियान का फासला एक फुट भी नहीं होता। अगर गलती से कोई भी ट्रेन के नीचे आया तो इसका मरना तो पक्का है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी इस ट्रैक से ट्रेन गुजरती है तो इस मार्केट के लोग बहुत ही एहतियात करते हैं, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए, और अपनी अपनी दुकानों को पीछे हटा लेते हैं। और जैसे ही ट्रेन गुजर जाती है तो दुकानदार वैसे ही मार्केट को पहली जैसी कर देते हैं। एसो मनामी रूट, जापान। दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। ये रेलवे ट्रैक खतरनाक पुल से होकर गुजरता है, जो कि आज से बहुत साल पुराना है। ट्रेन ड्राइवर का सिर्फ एक गलत कदम आपको मौत की तरफ ले जाने के लिए काफी है। इस ट्रैक के लिए ये पुल तो इतना खतरनाक नहीं है। इस ट्रैक को सबसे बड़ा खतरा वो है, इसके करीब से आतशगीर मादा निकलता है। अगर ये लावा फटकर ट्रेन और इसके ट्रैक पर आ जाए तो ट्रेन में बैठे पैसेंजर का क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। रमेशवम रेलवे ट्रैक, चेन्नई। ये रेलवे ट्रैक दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है, जिसे समुन्द्र के ऊपर से बनाया गया है। ये तमिलनाडु को पुमर रीफ से जोड़ता है, इसीलिए इसे पुमर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा पुल तकरीबन 2 किलोमीटर तक लंबा है। इसे 1911 में बनाना शुरू किया गया था और 1914 में बनकर कंप्लीट हो गया। ये इंडिया का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है। ये ट्रेन समुद्र की तेज लहरों के चीरते हुए गुजरती है, जो कि इस ट्रैक को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। इस रेलवे ट्रैक के ऊपर तक समुद्र की लहरें पहुंच जाती हैं, और जब समुद्र में बहुत ज्यादा तेज लहरें आती हैं तो कभी कभी ये लहरें ऊपर तक आ जाती हैं। NDNW रेलवे रूट, इंडियाना। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है, जो कि आप इसकी पटरियों को देखकर समझ ही गए होंगे, क्योंकि ऐसी पटरियां किसी भी रेलवे ट्रैक की नहीं होती। इस ट्रैक पर आए दिन हादसात होते रहते हैं। जब ट्रेन के डिब्बों में ज्यादा लोड डाला जाता है तो ट्रेन के डिब्बे ऐसी पटरी होने की वजह से पलट जाते हैं। कई बार ये हादसात इतने ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं कि इसमें ड्राइवर तक की जान चली जाती है। ये रेलवे ट्रैक इतना ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद आज भी इंडियाना में इस ट्रैक पर रेलवे चलती है। दोस्तों, आपको इन खतरनाक ट्रैक्स में सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रैक कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मजीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए द रिच वेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।